नमस्कार दोस्तों, आइए अंगूठे के द्वारा हम देखते हैं व्यक्ति के अंदर क्या गुण होता है और क्या उसका जो है बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले अंगूठे को हम तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक दो और एक जड़ से रेखा गई हुई तीन। तो ऐसे में इस एरिया का फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग होता है। तो ये तीन एरिया, ऊपरी के तरफ फर्स्ट भाग, दूसरा जो है सेकंड होगा और नीचे थर्ड होगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पहले भाग की बात करें, ये कितना लंबा है, कितना एरिया कवर किया गया है, इसके द्वारा जो है गुण देखा जाता है। इन तीनों भाग को सत्व गुण, रज गुण और तम गुण में लक्षण होते हैं। जिस भाग में जितना एरिया ज़्यादा होता है उस तरह उस ये तीनों गुण के लक्षण काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होते हैं और उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जाता है कि व्यक्ति कैसा है। सबसे बड़ी चीज़ सत्व गुण अगर इसमें है तो ऐसे व्यक्ति, अब अंगूठा आप देख पा रहे हैं इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मैं पुनः बना के दिखा दे रहा हूँ, इस तरह काफ़ी ज़्यादा एरिया बड़ा है। और जबकि सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड और थर्ड लगभग सेम है। तो ऐसे में पहले एरिया की बात करें अगर बड़ा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़िद्दी प्रकार के होते हैं, ज़िद्दी टाइप के होते हैं और मेहनती भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनको जो है किसी काम में अगर ये लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो है निष्कर्ष लाने तक इनको जिद पकड़ लेती है। जब तक उसका निष्कर्ष या उसका रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक ये जो है एक तरह से लगे रहते हैं। और एक चीज़ और होता है ऐसे में गुण होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड ऐसे लोग होते हैं, ये रिजल्ट के पीछे ज़्यादा जो है इनका ध्यान होता है। धार्मिकता भी इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, ये देवी देवताओं में काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं और यही प्लस पॉइंट होता है कि इनके जीवन में ये प्लस पॉइंट होता है। ये जो चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं लेट लपेट इन्हें अवश्य प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ ऐसे लोग होते हैं, कम से कम जो भी मित्रगण हो या भाई माता पिता हो उनके द्वारा जो चीज़ें या तो बोली जाए या फिर जो चीज़ करना हो तो कम से कम ये लोग जो है अपने मन की करते हैं, ज़्यादातर मनमर्जी होते हैं, चाहे वो माता पिता भाई कोई भी किसी चीज़ को इनके ऊपर प्रेशराइज करे तो उसकी बात जो है ना के बराबर सुनते हैं, ये अपना काम जो है अपने मर्जी से जो करना होता करते हैं। आइए देखिए, तीन भाग है, फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये आपका तीन भाग है और दोनों सेकंड और थर्ड भाग की बात करें तो ये लगभग बराबर है। अगर यही तीनों भाग फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेम से बराबर बराबर होता तो ऐसे में व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है समानताएं मिलती है, हर गुण समान मिलते हैं। चूँकि ये बड़ा है तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान विज्ञान और तर्क शक्ति भी अच्छी खासी होती है, तो ये तर्क करने में भी माहिर होते हैं। और एक चीज़ और गुण होता है, इनके द्वारा बोलने की अच्छी शैली इनको प्राप्त होती है, या यूँ कहूँ मैं ऐसे लोग वक्ता होते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलता है। अगर कैलकुलेशन आप करेंगे, कई लोगों को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कई लोगों का हाथ देख के अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये चीज़ें दिखती है। अगर ये अंगूठा बड़ा है, फर्स्ट भाग बड़ा है तो ऐसे में ऐसे लोग जो है वक्ता भी होते हैं, अच्छा खासा जो है बोलने वाले होते हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना पसंद आता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है समाज में रहना पसंद करते हैं या भीड़ भाड़ एरिया में रहना इनको पसंद आता है। दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें, अगर कोई सवाल आपको है जहन में या कुछ जानना चाह रहे हैं तो मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं और मेरी कोशिश यही रहती है व्यक्ति जो है अपने जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़े, जो चीज़ें उसके जीवन में घटित हो रही हैं भोलेनाथ जो है उसको उसका निवारण करने का प्रयास करें। और मेरी द्वारा जो चीज़ मैं बताता हूँ तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है आपका समूह शास्त्र और पामस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें जो मेरे नॉलेज के द्वारा जो एक्चुअलिटी मेरे नॉलेज में आता है वही चीज़ मैं बोलता हूँ
और मेरी कोशिश रहती है कि आप अपने जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ें और मोटिवेट हों, और जो अच्छी साइनें आपके हाथ में जो आपको जो है मजबूती प्रदान करती हूँ उसको मैं अवश्य बताने का प्रयास करता हूँ। इस अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों।